So hi everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. In this specific video of biology topic tonic series, we are going to talk about photorespiration. सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे इन हैंड रिटन फॉर्मेट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लुक एट द डायग्राम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन अ मच बेटर वे. सो लेट्स बिगिन विद व्हाट फोटोरेस्पिरेशन इज. सो फोटोरेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज C2 पाथवे. जैसा कि हमने अभी तक देखा था कि C3 पाथवे या C3 साइकिल को C3 इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था जिसको हमने क्या कहा था, PGA कहा था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट. C4 पाथवे को C4 पाथवे इसीलिए कहा गया क्योंकि उसमें 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था और उस स्टेबल प्रोडक्ट को हमने OAA यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या ऑक्सैलोएसिटेट कहा था. यहां पर इसे C2 पाथवे इसीलिए बोला गया क्योंकि यहां पर आपका एक 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं. ओके, सो फॉस्फोग्लाइकोलेट आपका यहां पर बनेगा जो कि 2 कार्बन का होता है. एंड इसके अलावा फोटोरेस्पिरेशन की कुछ खास बातें हैं जिनसे क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली पूछा जाता है. इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं विच आर नॉट गिवन इन NCERT, तो उनको समझना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसे पहली चीज ये कि फोटोरेस्पिरेशन जो है इट्स अ लॉस स्टेटमेंट फॉर अ प्लांट. यानी फोटोरेस्पिरेशन जो है ये एक बेकार प्रोसेस है, इससे प्लांट को कोई भी फायदा नहीं होता. एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ लॉस, उसके कुछ रीजंस हैं. पहली चीज की फोटोसिंथेसिस में 2 चीजें बनती हैं, आपका ATP एंड NADPH. यहां पर आपके दोनों ही नहीं बनते, यानी कि एनर्जी के फॉर्मेट में कोई भी फायदा नहीं हुआ. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि फोटोसिंथेसिस से हमें चाहिए वो ये है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाए. यहां पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी देखने को नहीं मिलती. यहां तक कि आपने जो ATP जमा की हुई होती है उस ATP को भी ये प्रोसेस यूज कर लेता है, डिप्लीट कर देता है. यानी ये आपकी एनर्जी बढ़ा तो नहीं रहा लेकिन आपने जो एनर्जी इतनी मेहनत करके जोड़ी थी उस एनर्जी को खपा जरूर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज अ लॉस प्रोसेस इन एवरी प्रोस्पेक्ट, चाहे वो एनर्जी का प्रोस्पेक्ट हो चाहे वो कार्बन फिक्सेशन का प्रोस्पेक्ट हो. लेकिन ये फोटोरेस्पिरेशन आखिरकार होता क्यों है? ये तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर यानी प्लांट्स की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है. हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि अगर आपका 5 कार्बन का RUBP कंबाइन करता है विद CO2 तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन RUBP के, 1 कार्बन आपका CO2 का, टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन. तो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 3 कार्बन के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, राइट. और ये आपका काम करता है आगे शुगर फॉर्मेशन में, यानी ये आपका आगे चल के कार्बोहाइड्रेट बना सकता है बाय द केल्विन साइकिल. यानी आपको CO2 को कार्बोहाइड्रेट में ही कन्वर्ट करना था और वो काम आपका हो रहा है क्योंकि आपका 5+1 6 कार्बन यहां पर हमें मिले. लेकिन समझ लीजिए किसी प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड आपका काफी कम है और उसकी जगह ऑक्सीजन काफी ज्यादा है. तो अब ये आपका 5 कार्बन का RUBP है और इसके साथ आप एड कर दे रहे हैं ऑक्सीजन, तो 5 कार्बन और ऑक्सीजन में तो कोई कार्बन है नहीं, तो टोटल आपके कितने कार्बन बचे, यहां पर 5 कार्बन ही बचे. अब इस 5 कार्बन में से आपका 3 कार्बन का एक PGA बन सकता है, एक मॉलिक्यूल, लेकिन दूसरा 2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल बनेगा ये आपको लॉस में ले जाएगा जिसका नाम क्या था, फॉस्फोग्लाइकोलेट. हमने बोला था ना 2 कार्बन का आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, इसीलिए तो फोटोरेस्पिरेशन को C2 पाथवे बोला. तो जब आपका RUBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 5 कार्बन के एक मॉलिक्यूल को तैयार करेगा विच विल obviously get bifurcated into PGA of 3 carbon and phosphoglycolate of 2 carbon. और ये जो आपका यहाँ पर molecule है ये आपकी energy को खपा देगा and that's why your photorespiration is a loss statement, क्योंकि यहाँ पर आपके carbohydrate बन ही नहीं पाए, यहाँ तो phosphoglycolate बन गया. अब ना ये phosphoglycolate किसी और metabolic pathway में ठीक से use हो पाएगा, ना आप इसको ठीक से metabolize कर सकते या use कर सकते, ना आप इससे energy निकाल सकते, राइट. ना आप इससे कुछ और काम कर सकते कि आप कार्बोहाइड्रेट बना सकते, यानी ये किसी भी काम का मॉलिक्यूल नहीं देखा गया है. एंड दैट्स व्हाई आपका जब फोटोरेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा
यानी आपकी एनर्जी भी लगेगी और आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ मिलेगा भी नहीं। यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं, व्हेन वी टॉक अबाउट सी3 प्लांट्स, तो यहां पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, यानी फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एंड इज हायर, यानी लॉस इज हायर। अगर लॉस ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी कम। क्यों? क्योंकि सी3 प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ सकती है या CO2 की क्वांटिटी कम हो सकती है। यहां पर आपका RuBP और CO2 को जोड़ने वाले एंजाइम का क्या नाम है? रुबिस्को। और रुबिस्को आपका दोनों काम कर सकता है। एक बार इसको मिटा लेते हैं। रुबिस्को आपका दोनों काम कर सकता है, नाम ही है रुबिस्को, तो इनमें सी और ओ आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी काम कर सकता है, कार्बोक्सिलेज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी काम कर सकता है, ऑक्सीजनेज का। जब CO2 कम होगी यानी ऑक्सीजन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा तो इसकी ऑक्सीजन वाली एबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। लेकिन जब CO2 ज्यादा होगा तो इसकी कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इन केस ऑफ C4 प्लांट आपको पता है ये क्या कर लेते हैं, C4 एसिड के फॉर्म में CO2 को अंदर स्टोर कर लेते हैं प्लांट के, तो CO2 ज्यादा रहती है यानी ऑक्सीजन कम रहता है, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। जब CO2 ज्यादा है तो कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी ही आपकी ज्यादा रहेगी, तो लॉस होगा कम, यानी आपका ओवरऑल बेनिफिट होगा ज्यादा। बहुत सिंपल सी बात। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कार्बोहाइड्रेट में तब होता है जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करती है रुबिस्को की। लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है तो कौन सी एक्टिविटी काम करेगी? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करेगी। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करेगी तो भैया क्या होगा? लॉस होगा। तो कोई आपसे पूछे, जो कि पूछा भी जाता है, कि वाई C4 प्लांट्स आर मोर प्रोडक्टिव क्योंकि उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, या वाई C3 प्लांट्स आर लेस प्रोडक्टिव क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि फोटो रेस्पिरेशन होती किन किन ऑर्गेनेल में है, राइट? वो कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है? तो आपके सब्जेक्ट लिख दीजिए यार, एक सब्जेक्ट अलग लिखना है, मैथमेटिक्स, PCM लिख दीजिए। PCM का मतलब क्या है? PCM का मतलब है परोक्सीसोम, C का मतलब है क्लोरोप्लास्ट, और M का मतलब है आपका प्यारा माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों के अंदर क्या होती है? आपकी फोटो रेस्पिरेशन होती है। डायग्राम देख लो एक बार, क्या क्या याद करना है बता देता हूं। जैसे यहां पर देखो, अगर RuBP पे CO2 जुड़ा तो RuBP आपका 5 कार्बन का, CO2 आपका 1 कार्बन का, टोटल 6 कार्बन बने, तो 2 मॉलिक्यूल बन गए 3PGA के, और आगे चल के शुगर बन गई। ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन इसके अलावा मेरे भाई, अगर ऑक्सीजन यहां पर है तो 5 कार्बन का RuBP तो प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर तो आपके 0 कार्बन है ना, तो 5 ही कार्बन रहेंगे, तो 3 कार्बन का तो आपका PGA बना और 2 कार्बन का आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, विच इज गोइंग टू बी अ लॉस स्टेटमेंट फॉर प्लांट। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट आगे चल के ग्लाइकोलेट बना सकता है और फिर ग्लाइसिन अमीनो एसिड बना सकता है। इस साइकिल की शुरुआत होती है क्लोरोप्लास्ट में। तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा? हम ये टॉपिक पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रोसेस की शुरुआत भी क्लोरोप्लास्ट में होगी। सेकेंड आपका जो आता है वो है आपका परोक्सीसोम, एंड थर्ड जो आपका आता है वो आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। मैथ से हमें सबसे कम प्यार है, तो एम वाला जो है आपका सारे सब्जेक्ट्स में से एंड में आएगा, राइट? तो आपका यहां पर देखो ग्लाइसिन बना, ये ग्लाइसिन जो है आगे चल के क्या बना सकता है? सेरीन बना सकता है, एंड देन ग्लिसरेट बना सकता है, विच कैन इनफैक्ट मेक 3PGA। लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है? सो दिस इज योर C2 पाथवे। इस पूरी की पूरी पाथवे के नोट्स आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका नाम है ब्रिलिक्स। ब्रिलिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, 4-5 पोस्ट देख करके आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां फॉलो कीजिए, एंड देयर वुड बी अ लाइब्रेरी सेक्शन ओवर हियर। उस लाइब्रेरी सेक्शन पर जाकर आप मेरे सारे के सारे नोट्स को लेवरेज कर सकते हैं, एंड नीचे एक स्टोर सेक्शन भी है जो आप यहां पर देख सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे मेरे पेड नोट्स, बट उनका प्राइस काफी कम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज। सोचिए 10 रुपए में आपको नोट्स मिल रहे हैं, और वहां पे मेरे हैंड रिटन नोट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, मेरे हैंडबुक्स प्रेजेंट है जो 30 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में आपके फाइनल लैब रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप इसको आज देख रहे हो वीडियो को, आप 1 साल बाद देख रहे हो, दे वुड बी अवेलेबल, दे वुड बी रेलेवेंट, अपडेटेड फॉर्मेट आपको मिलता रहेगा।
प्लीज जाकर के एक बार चेकआउट करो, उसका फ्री प्रीव्यू भी अवेलेबल है, यानी आप एक बार जाके चेक कर लो बस। आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, नहीं पसंद आए तो फिर कोई बात है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको पसंद आए। और उसका फ्री प्रीव्यू अवेलेबल है जस्ट लाइक किंडल फॉर्मेट, तो आप उसको एक बार एनोटेट भी करके देखिए, स्क्रिबल भी करके देखिए, एप्लीकेशन को एंजॉय करिए, एंड प्लीज मेक श्योर कि आपको जो भी डाउट आए वो आप यहां पर मुझसे पूछ लें डायरेक्टली ऑन प्रोलिक्स एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज मेक श्योर कि जाकर आप जुड़े और मुझे फॉलो करें। और मिलता हूं आपसे अगले सेशन में ऑफ द बायोलॉजी टॉपिक टॉनिक सीरीज। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, विल ट्रूली बी कैचिंग यू अप इन कमिंग वीडियो। शुक्रिया।